फ्रेंड्स, रूबी झा के किचन में आप लोग का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए क्या बनाएंगे, तो आज हम बनाएंगे बच्चे का मनपसंद रिक्वेस्टेड वीडियो। यहाँ पर मैं आज बनाएंगे हम सूपी मैगी। तो चलिए हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे घर के ही कुछ सामान से। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए क्या क्या लेंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम मिलके बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर में पेन चढ़ा लिए हैं, और अब यहाँ पे हम 2 चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, 2 चम्मच डालेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जिंजर डाल देंगे, यहाँ पे हम अदरक डाल दिए हैं, और अब यहाँ पे ग्रीन चिली, और अब यहाँ पे हम शिमला मिर्च ले लिए हैं हरी वाली, और अब यहाँ पे हम अनियन डालेंगे, और साथ में ही हम टमाटर भी डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से पहले हम चला लेंगे, इस तरह से इसको हम सॉटे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम सिर्फ इसको सॉटे करेंगे, हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पे मैगी सूप बना रहे हैं, सूपी मैगी ना, तो यहाँ पे देखिए, आज हम यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सॉटे हो चुका है। तो अब हम ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हम 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे, और 1/2 टेबल स्पून हम रेड चिली डालेंगे, और 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे टर्मरिक, और यहाँ पे स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड करेंगे, और यहाँ पे अब हम काली मिर्च ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम ब्लैक पेपर ले लिए हैं। तो अब हम इसको अच्छे से पहले हम इस तरह से भून लेंगे साथ में, क्योंकि ज़्यादा मसाला हमको इसमें ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसको भूनेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम ग्रीन चिली डाल देंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा ही डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, यहाँ पे थोड़ा सा हम रेड चिली ले लिए हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा हम विनेगर डाल देंगे यहाँ पे ज़रा सा, और हम यहाँ पे इस तरह से हम इसको सॉटे कर लेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा ज़रा सा डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून से भी हम कम डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम डाल के अब इसको भी सॉटे कर लेंगे, यहाँ पे हम पका लेंगे, सिर्फ हमको 2 मिनट पकाना है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर में मसाला है वो सब भुन चुका है, और अब यहाँ पर में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 240 ml हम पानी डाल लिए हैं, तो यहाँ पे हम और पानी डालेंगे, 240 ml हम फिर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम पूरा 700 ml पानी डाल दिए, क्योंकि यहाँ पे हम मैगी 5-5 वाली 3 मैगी ले लिए हैं। तो आज हम मैगी सूपी बना रहे हैं, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो आज बन रहा है। हम मैगी डाल देंगे, तो यहाँ पे हम 5-5 वाली 3 मैगी ले लिए हैं, और इसको हम अच्छे से पहले थोड़ा सा क्रश कर लिए हैं, हल्का सा हाथ से ही हम इसको थोड़ा सा तोड़ दिए। तो अब हम इस तरह से इसको हम चला लेंगे। इस जगह पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 चम्मच इसमें मैगी मसाला डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मैगी सूपी बना रहे हैं, तो मैगी मसाला तो डालना बनता है, क्योंकि इससे तो और ज़्यादा टेस्ट निखर के आएगा। बच्चे का अक्सर फेवरेट है, बच्चे के साथ साथ आजकल बड़े का भी बहुत ज़्यादा मैगी फेवरेट है। तो देखिए, आज मैगी सूपी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है।
तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सूपी मैगी बनके तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। इसको हम बिल्कुल यहाँ पर में हम पानी डालने के बाद यहाँ पर में हम इसको 2 मिनट सिर्फ पकाए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर में सूपी मैगी, आप चाहे तो यहाँ पे और ज़्यादा ग्रेवी डाल सकती हैं, लेकिन इस तरह से ठीक है। तो सूपी मैगी हम बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हम पानी ऐड किए हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम गैस कर ले रहे हैं बंद और हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसमें आप सब्जी यहाँ पर में आप चाहे तो इसमें बीन्स डाल सकती हैं, यहाँ पर में आप रेड वाली शिमला मिर्च डाल सकती हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पर में गाजर भी डाल सकती हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो नहीं था तो वो हम नहीं डाले हैं। यहाँ पर हम सिंपल तरीके से बनाए हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स, हम यहाँ पर में नीचे उतार लिए हैं इसको और अब हम यहाँ पे बाउल ले लिए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे मेरा सूपी मैगी बनके तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से। तो चलिए हम बाउल में आप लोग के लिए सर्व कर ले इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सूपी मैगी यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पे हम धनिया हरी वाली धनिया पत्ती से हम गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर में हरी वाली प्याज की पाट ले लिए हैं तो हम इसको भी थोड़ा सा हम डाल देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए सूपी मैगी बनके तैयार हो चुका है और बिल्कुल झटपट, बिल्कुल समय नहीं लगता है बनाने में, और बच्चे का और बड़े का दोनों का फेवरेट है यहाँ पर में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बनाएं और बच्चे को ज़रूर दें। यहाँ पे आप टिफिन में भी बच्चे को सर्व कर सकती हैं और नाश्ता में भी, लंच में भी। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम नए रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए टिक के बाय बाय, वीडियो एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए है।